तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में अपने एक क्लास बनाया था और क्लास के अंदर एक डेटा लिया था, फिर मेथड लिया था, एंड देन उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम में हमने दो चीज़ों का यूज़ सीखा था, एक मेथड का यूज़ सीखा था और एक कंसेप्टर का यूज़ सीखा था। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, रिकॉल करता हूँ। हम लोग जब भी कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास आता है, तो उस रिक्वायरमेंट को माइंड में गैदर करते हुए, उस रिक्वायरमेंट यानी जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन बेसिकली। ठीक है, तो हम डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं, देन मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हर रिक्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्ट की दो करेक्टरिस्टिक्स होते भी हैं, स्टेट एंड बिहेवियर, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं। ये डेटा हो गया और ये मेंबर फंक्शन हो गया। तो जब हम क्लास बना लेते हैं और क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बना लेते हैं, तो इस क्लास का तब तक यूज हम नहीं कर सकते जब तक हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस ये होता है, अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आ जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका, सिंपल भी तरीका होता है कि आप न्यू कीवर्ड से ऐसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ठीक है, केवल न्यू और क्लास का नाम लिखिए, जिसको हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता। तो कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स? एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर क्रिएटेड विच हैविंग नो एनी नेम, दैट्स इट, राइट, विच हैविंग नो एनी रेफरेंस वेरिएबल, विच हैविंग नो एनी नेम, राइट। तो जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर ये न्यू एंड क्यू एनफो, राइट, ऐसे जो हमने लिखा है क्लास का नाम। बट एनोनिमस ऑब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो ये है कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट का जो गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, वो अपने आप हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हैं, तो दे आर एलिजिबल फॉर द लाइक गार्बेज कलेक्शन, एंड दे कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, या इसके ऊपर हम बार बार कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम इस पे मेथड कोई कॉल कर लें, ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकते, राइट। तो फर्क समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने एक रेफरेंस में संभाल के रख लेते हैं, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जनरली अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं तो ज़रूर पूछता हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल। क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस आईडी एंड रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल में डिफरेंस ये होता है कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के बनते ही, जैसे ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, किसी ऑब्जेक्ट के बनते ही मेमोरी में एक मेमोरी एरिया रिजर्व होती है। उस मेमोरी एरिया को रेफर करके एक नई आईडी हमारे सिस्टम में जनरेट होती है, वो JVM करता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि हर ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी मेमोरी में जनरेट होने के बाद, उस यूनिक आइडेंटिटी, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि वो जो यूनिक आइडेंटिटी होती है वो सिस्टम में 01 के फॉर्म में होती है, 01 के फॉर्म में, क्योंकि सिस्टम में जो कुछ भी होगा वो 0101 के फॉर्म में होगा। और ये जो 01 के फॉर्म में आईडी बनती है, ये रेफरेंस आईडी नहीं होती। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते ही, यानी कि ये वाली लाइन लिखते ही, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि QA इन्फो ऑब्जेक्ट है, एफ ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट है, या ये इतना ऑब्जेक्ट है, तो नहीं, यहाँ पे ये न्यू से लेके ये पूरा लाइन ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअली कोडिंग में कोई पूछे जबरदस्ती कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप इसे बता सकते हो,
बट एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो एक रियल टाइम एंटिटी है। ऑब्जेक्ट क्या है अगर किसी ने आपसे पूछा तो ऑब्जेक्ट को हम एक नहीं कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा अभी चेंज करता हूँ, मैं रेफरेंस आईडी और रेफरेंस वेरिएबल ना बता के ऑब्जेक्ट को पहले क्लियर करता हूँ। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप किसी को बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम सब ऑब्जेक्ट हैं, राइट। रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं सब एक ऑब्जेक्ट है। एक क्यूए जो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा वो एक ऑब्जेक्ट है, बट उसके लिए हमने कोड में कुछ लिखा है, वो कोड में कौन सी लाइन है जो आपके सामने अभी हाईलाइटेड है, ये पूरी लाइन न्यू एंड क्यूए टीम इन्फो, ये पूरा लाइन ये ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, बट इस ऑब्जेक्ट के बनते ही मेमोरी में एक मेमोरी एरिया रिजर्व होती है, वो मेमोरी एरिया जो भी रिजर्व होती है वो आइडेंटिटी सिस्टम में जो जनरेट होती है रैम में वो 0-1 के फॉर्म में जनरेट होती है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट है। और अगर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट तो वो है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पेंट ओपन करके दिखाऊं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो एरिया है, वो लाइन है जहाँ पे ये वाली ऐसा कोई एक एरिया है, जैसे ये मान लीजिए आप एक रैम है और रैम के अंदर ये हमारा एक छोटा सा एरिया, राइट, ये एरिया एक बफर जहाँ पे हमारे सारे डेटा मेंबर और सारे मेंबर फंक्शन जाके यहाँ स्टोर्ड हुए हैं। यहाँ पे हमारे डेटा मेंबर, सॉरी मेंबर फंक्शन मत बोलो, जितने भी डेटा मेंबर हैं वो भी इंस्टेंस डेटा मेंबर वो जाके स्टोर्ड हुए हैं, राइट। तो ये जो एरिया है जहाँ पे सारे डेटा मेंबर जाके स्टोर्ड हुए हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है, राइट। अगर मेमोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें रैम के अंदर एक मेमोरी एरिया जहाँ पे जाके सारे ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड, सॉरी जहाँ पे सारे डेटा वो भी इंस्टेंस डेटा जाके स्टोर्ड हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो पॉइंट ये है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर होता है या मेंबर फंक्शन होता है, लोकल वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, कौन सी चीज़ होता है, तो यहाँ पे उसका आंसर है कि हमारे क्लास के केवल और केवल जो ये डेटा हैं ये इंस्टेंस डेटा मेंबर हैं, बिल्कुल नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, ना कि स्टैटिक, स्टैटिक वाले नहीं, केवल नॉन स्टैटिक वाले। तो हमारे क्लास के जो नॉन स्टैटिक डेटा होते हैं, स्टैटिक के बारे में आपको आगे मैं समझाऊंगा, जो नॉन स्टैटिक डेटा होते हैं उन्हीं को मेमोरी हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे क्लास के सारे इंस्टेंस डेटा जाते हैं। तो रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्यूए जो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जैसे मैं हूँ एक क्यूए, राइट, मैं क्यूए हूँ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया और मेरे लिए न्यू क्यूए इन्फो करके ये जो लाइन लिखी गई है कोड में कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इस कोड से जो मेमोरी एलोकेट हुई है यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर रैम एरिया के अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारे तीन तरह से समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि न्यू करके जो हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी एरिया रिजर्व होती है उस मेमोरी को हम देख नहीं सकते, तो हम ऑब्जेक्ट को एक रन टाइम एंटिटी बोलते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी बोलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार ऑब्जेक्ट को दो चीज़ कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये भी सही है। अगर कहा जाए कि ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी, ये भी सही है। तो हम ऑब्जेक्ट को कई तरह से समझ सकते हैं, राइट। अगर हम ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी बोलते हैं तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसे हम रन टाइम एंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रन टाइम में मेमोरी में जाके मेमोरी एरिया एलोकेट कराता है, राइट। और रियल वर्ल्ड एंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ बफर, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, राइट। ऐसे बहुत सारे टर्मोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। और दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट जावा के अंदर एक क्लास होती है। लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एक क्लास होती है जो हर क्लास का पेरेंट क्लास होता है,
तो ऑब्जेक्ट इज अ क्लास। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज अ क्लास इन जावा, राइट, एंड इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा विच इज पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस, राइट। जावा में ऑल यूजर क्लासेस और ऑल यूजर इंटरफेसेस और प्री डिफाइंड क्लासेस और प्री डिफाइंड इंटरफेसेस, सबका पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके बारे में और डिस्कशन हम करेंगे। एक क्लास होती है जिसको आप डॉक से जाके, जैसे सिस्टम में क्लास होती है ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्लास होती है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना? जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस आईडी ही, अब आगे मैं आपको समझाता हूँ, बट इतना तो क्लियर हो गया, राइट। अब आ जाइए रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या होती है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन क्लास। तो हमारा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली मुझे ये समझाना था, बट यहाँ पे ये बहुत सारे पॉइंट्स आ गए तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जब हम किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, लिखते हैं न्यू एंड क्यूए टीम इन्फो, राइट। तो जब हमने किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट के बनते ही मेमोरी में एक मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमारे सारे डेटा जाके स्टोर हो गए। यहाँ पे इस मेमोरी के एलोकेट होते ही एक बाइनरी आइडेंटिटी जनरेट होती है जो मैं यहाँ पे लिख रहा था, राइट। तो इसको हम रेफरेंस आईडी नहीं बोलते हैं, जो ये बाइनरी आइडेंटिटी जनरेट होती है। इस आईडी को रेफर करके, ध्यान समझिएगा, इस आईडी को रेफर करके जावा ने एक नई आईडी जनरेट कर दी जिसको हम रेफरेंस आईडी बोलते हैं। देखिए दो ऑब्जेक्ट होता है, एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है और एक उसका होता है रेफरेंस। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल जो मेमोरी है, वो मेमोरी 01 के फॉर्म में थी, वो मेमोरी हमारे रैम में जाके एलोकेट हुई। तो जब हमारे कंप्यूटर की रैम एरिया में कोई मेमोरी किसी ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट हुई, तो वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी है उसका जब तक एड्रेस हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम उस पर कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते, कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। तो जावा के अंदर हम पॉइंटर्स भी एक्सप्लिसिटली यूज नहीं कर सकते, बट जावा ने इम्प्लिसिटली पॉइंटर यूज करते हुए उस मेमोरी एरिया को रेफर करके एक नई आईडी जनरेट करके दे दी जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस आईडी। तो सिंपल सा आंसर है, रेफरेंस आईडी, व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, सो देयर इज लाइक मेमोरी आइडेंटिटी इज क्रिएटेड इनटू द मेमोरी एंड इन इन जावा जावा जेवीएम रेफर दिस मेमोरी, है ना, इनटू अ सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड रेफरेंस आईडी, ठीक है। तो आप सिंपल भी तरीके से बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स के बनते हैं मेमोरी में एक आईडी बनती है जिसको रेफरेंस आईडी बोलते हैं, बात खत्म। तो लेकिन अब ये भी क्वेश्चन है कि उस मेमोरी एड्रेस के जो बाइनरी के बाद, यानी कि ये 01 के बाद की जो आईडी बनती है, यानी कि जो रेफरेंस आईडी बनती है, उस रेफरेंस आईडी के बनने के कुछ स्टेप्स होते हैं। वो आईडी कैसे बनती है, अगर आपने इसको प्रिंट करके देखा होगा तो क्या प्रिंट करके दिखाता है? जब हम न्यू क्यूए इन्फो करके ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट करके दिखाता है? क्लास का नाम, एट द रेट और हैश कोड। जब हाँ इसको प्रिंट करते हैं तो क्लास का नाम, एट द रेट, हैश कोड प्रिंट करके दिखाता है ना? तो वो जो क्लास का नाम, एट द रेट, हैश कोड प्रिंट करके दिखाता है, वो उस मेमोरी की आइडेंटिटी का एक रेफरेंस ही तो है, वही तो रेफरेंस आईडी है, प्रिंट होके आती है। समझ आ रहा है? तो वो रेफरेंस आईडी कैसे कैसे बनती है इसको भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, समझा दूंगा कि रेफरेंस आईडी कैसे बनती है, ठीक है, जो बाइनरी से बनती है। तो सिंपल सा आंसर है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के बनते ही मेमोरी में आईडी बनती है जिसको रेफरेंस आईडी बोलते हैं। उस आईडी को होल्ड करने वाला वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। सो व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, अ यूनिक आइडेंटिटी इज क्रिएटेड टू द मेमोरी एंड अ वेरिएबल व्हिच होल्ड दिस रेफरेंस आईडी दैट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। सो रेफरेंस वेरिएबल इज एफ। नाउ एफ इज अ रेफरेंस वेरिएबल। इस एफ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं लोग, नहीं ये गलत है। सी के अंदर ऑब्जेक्ट्स, सी प्लस प्लस के अंदर इसे ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल होता है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन करेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे f की बात करें तो f अभी वो रेफरेंस वेरिएबल है जो इस करेंटली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को अपने अंदर संभाल के रखता है ना कि किसी और की,
और ये मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी क्लास के रेफरेंस के अंदर किसी दूसरे क्लास की रेफरेंस आईडी को डाला जा सकता है ना। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस है तो हम उसके अंदर किसी दूसरे क्लास का रेफरेंस भी स्टोर करा सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा भी सिस्टम है। तो बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्ट्स बनते ही आईडी बनी, रेफरेंस आईडी कहलाती है, और उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाला, उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। रेफरेंस वेरिएबल आर इम्प्लिसिट पॉइंटर्स। अगर हम रेफरेंस वेरिएबल को इम्प्लिसिट पॉइंटर्स बोल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ये पॉइंटर का ही काम करता है। अगर आपको पता है तो मैंने आपको समझाया भी था पॉइंटर्स का क्या यूज होता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो बिल्कुल इसी तरह से इट इज ऑल्सो वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके पास पड़ा हुआ है, राइट? तो ये जो रेफरेंस आईडी बनती है, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक मैं क्लास बनाता हूँ, और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो छोटा एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस आईडी कैसे कैसे जनरेट होती है उसका पूरा स्टेप समझ में आ पाए, ठीक है ना। रेफरेंस डेमो करके मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। तो रेफरेंस डेमो, ये जो हमने क्लास बनाई है, इसको सेव कर लेते हैं, राइट। और अभी इसको कंपाइल करूँगा, हो जाएगा बिना मेन मेथड के। तो मेन मेथड के बिना कंपाइल भी हो जाता है प्रोग्राम और रन भी हो जाता है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिलहाल हमने यहाँ पे मेन मेथड बना लिया, और मैं आपको यहाँ पे केवल न्यू लिखूँगा और इस पर्टिकुलर क्लास का नाम लिखूँगा। तो रेफरेंस आईडी को बनाने का काम हमारा नहीं होता, वो इम्प्लिसिटली बनता है। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट, देखिए अभी ऑब्जेक्ट को रन टाइम एंटिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम कोड को कंपाइल करते हैं, लिखा हमने जावा सी और रेफरेंस डॉट जावा, तो कंपाइल करते ही नहीं बनेगा, जब इसको हम रन करेंगे तब बनेगा। जैसे हमने लिखा जावा एंड लिया रेफरेंस डेमो, और जैसे देखिए हम रन करेंगे, रन करते ही ये मेमोरी एरिया में मेमोरी रिजर्व कर लेगा और आपकी आइडेंटिटी जनरेट हो जाएगी, राइट। वो आइडेंटिटी जनरेट हुई है, आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देता हूँ, और इसको आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ये देखिए कोड को कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, ये तो क्लियर है। तो ये जो क्लास का नाम @hashcode प्रिंट करके आता है, इसे बोलते हैं क्लास का नाम, क्लास नेम @hexastring hashcode। ये जो बन के आता है, ये कैसे बन के आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं क्या करूँगा, इसको एनोनिमस ऑब्जेक्ट ने बना के एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और होल्ड करने के बाद यहाँ से अब इस F को प्रिंट करता हूँ, तो F में भी तो इसी क्लास की रेफरेंस आईडी आई होगी। अगर मैं F को प्रिंट करूँगा तो ये रेफरेंस आईडी ही प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये रेफरेंस आईडी कैसे बनती है, तो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने अभी आपको डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट नाम की क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है, उस क्लास के अंदर एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग मेथड। चलो एक चीज़ मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लूँगा, क्या वो ये है कि आप सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में जाके अगर जावा के अंदर जाइए तो SRC फोल्डर मिलता है। SRC को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको इसका डॉक पूरा निकल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। शायद मेरे पास वो डॉक यहाँ पर पड़ा होगा कहीं, यहाँ पे नहीं पड़ा है, कोई नहीं। मैं एक काम करता हूँ, आपको वो src.zip जो है इसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर लैंग पैकेज होता है, और लैंग पैकेज के अंदर ऑब्जेक्ट नाम की क्लास यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे है ये, राइट। तो अगर ये व्यू फाइल करोगे तो ऑब्जेक्ट क्लास के सारे, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में ये दिखाएगा। आप यहाँ Ctrl+F करके, इसका एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होता है, वो सर्च करिए, यहाँ सर्च नहीं चल रहा है। Ctrl+F करते हैं, टू स्ट्रिंग strng, ठीक है, ये देखिए टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग जो मेथड होता है, इस मेथड को सर्च करिएगा, ठीक है। और टू स्ट्रिंग मेथड का ये लॉजिक आप देखिएगा ध्यान से। इसे मैं इवन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
तो ध्यान से बात सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट नाम की क्लास और उस क्लास का ही टू स्ट्रिंग मैथड, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, और किसी क्लास के सारे मेथड को देखने का एक और तरीका आपको बताता हूँ। आप बस आप लिखिए जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट, ठीक है। तो जावा पी यहाँ पे ये हमारा एक टूल है जो पार्शियली डिकम्पाइल करता है किसी बाइट कोड को। तो हमने अपनी क्लास का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, इसलिए पूरा लोकेशन के साथ हमने लिख दिया। तो ऐसे हम सिस्टम ऐसे किसी भी क्लास के बारे में लिख के एंटर मार सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्लास के ये मेथड्स हैं, इन मेथड्स को पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट आर द मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, दैट इज वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास या व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास। तो अगर किसी ने पूछ लिया ना व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास, तो पहले तो इसे ये क्लियर कर दो कि वो ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बात कर रहा है या ऑब्जेक्ट क्लास की बात कर रहा है जो जावा में बनी बनाई क्लास है, राइट। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास अलग चीज़ होती है, और ऑब्जेक्ट नाम की बनी बनाई क्लास अलग चीज़ है, वो हर क्लास का पेरेंट क्लास होता है। एंड हाउ मेनी मेथड, 9 मेथड इसके पास होते हैं। उसमें से एक गेट क्लास होता है, एक हैश कोड मेथड होता है, एक इक्वल्स मेथड होता है, एक हमारे पास यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड, नोटिफाई ऑल, वेट, ठीक है, फाइनलाइज, इस तरह से ये 9 मेथड्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करें मेथड्स की, तो इन मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है मैजिक मेथड। कौन सा मेथड? मैजिक मेथड। ये मैजिक मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैजिकली हर क्लास में अवेलेबल होता है ना। जावा के अंदर अगर कोई क्लास किसी को भी इनहेरिट नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है, और हर क्लास डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है। हर क्लास डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है ना। यानी कि ये जो क्लास है अभी जो मैंने बनाया, ये ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड है, यानी कि ये इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट करता है ऑब्जेक्ट क्लास को, राइट। और ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड इसके पास हैं। तो ये मैजिक ही है बिल्कुल, कि आपने अपने किसी क्लास में किसी क्लास को इनहेरिट नहीं करा, और उस क्लास के सारे मेथड आपके पास अवेलेबल हैं मैजिकली, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, है ना, मैजिक मेथड्स। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैजिक मेथड्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लिया जा सकता है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड बताओ, मैजिक मेथड बताओ। तो ऑब्जेक्ट क्लास के जो 9 मेथड्स हैं, दे आर द मैजिक मेथड, राइट। तो ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स में एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है। जैसे ही आप किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हो, है ना, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट की आईडी बनती है, उस आईडी के बनते ही ये मेथड अपने आप चल जाता है। कौन सा मेथड? टू स्ट्रिंग मेथड। और उसी टू स्ट्रिंग मेथड का काम होता है रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराना, रेफरेंस आईडी जनरेट कराना, ठीक है ना। वो रेफरेंस आईडी जो टू स्ट्रिंग मेथड से बन के आती है, उसका सिंटैक्स ये है। देखिए ये सिंटैक्स है, ये टू स्ट्रिंग मेथड है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो बाइनरी नंबर बनती है 01 के फॉर्म में, उस नंबर से हैश कोड जनरेट होता है, हैश कोड जनरेट होता है। जैसे सपोज करो बाइनरी नंबर बना 0101, राइट। तो उस 01 को वो हैश कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, यानी कि बाइनरी 01 को वो 0 to 9 और 8 to 12 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हैश कोड बेसिकली जैसे बाइनरी होती है 01, दो ही होती है, लेकिन हेक्सा जो कोड होता है, हैश कोड होता है, वो होता है 0 to 9 और 8 to 12। 10 तक तो डेसिमल होता है, 0 to 9, राइट। लेकिन जो हैश कोड होता है वो 0 to 9 8 to 12 होता है। तो उन्होंने हैश कोड जनरेट करते हैं। हैश कोड जनरेट करने के बाद इंटीजर क्लास के टू हैक्स स्ट्रिंग मेथड चलती है, जिससे पूरी एक हेक्सा स्ट्रिंग बन के आ जाती है, राइट, एक स्ट्रिंग बन के आ जाती है। उस स्ट्रिंग के साथ एट द रेट जोड़ देते हैं, और ये जो मेथड होता है गेट क्लास डॉट गेट नेम, क्लास का नाम दे देता है। तो इस तरह से आपकी प्रोग्राम में जो रेफरेंस आईडी आती है, वो आती है क्लास का नाम इस वाले लाइन से, एट द रेट इस लाइन से, और इंटीजर डॉट टू हैक्स स्ट्रिंग मेथड इस लाइन से। तो ये पूरी लाइन, यानी कि ये टू स्ट्रिंग मेथड, ये जो मेथड है, इसको इग्नोर कर गए तो पूरी जावा इग्नोर हो जाएगी आपसे। तो ये मेथड वेरी 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 एंड वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड है, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। तो जब कभी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये मेथड है, तो ऑब्जेक्ट्स के बनते जो रेफरेंस आईडी बनती है, वो रेफरेंस आईडी इसी के ही थ्रू बनती है, राइट। तो ये कैसे कैसे बनती है, वो मैं आपको यहाँ पे पार्ट वाइज समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है फरा, समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो इस रेफरेंस पे, है ना, ये ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है जिसका मेथड है हैश कोड,
तो हैश कोड मेथड सबसे पहले चलता है, ठीक है, हैश कोड। तो हैश कोड, हैश कोड मेथड एक इंटीजर रिटर्न करता है आपको, हैश कोड मेथड इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हैश कोड मेथड इंटीजर रिटर्न करता है, यानी कि बाइनरी का इंटीजर कन्वर्जन, ठीक है, ये जो बाइनरी थी वो उसका इंटीजर कन्वर्जन। तो इंटीजर अब आप देख लीजिए, इसको हमने करा कंपाइल, ये देखिए आपको हैश कोड मेथड कॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, ठीक है, कभी भी पड़ सकती है। आप ये देखिए जो ऊपर लिखा है ना, रेफरेंस डेमो एट द रेट समथिंग हैश कोड, ये हैश कोड ना बोल के हैश स्ट्रिंग बोलो। हैश स्ट्रिंग बनी कैसे, पहले हैश कोड बना, हैश कोड किसका बना, ऑब्जेक्ट का, यानी कि जब आप लिखते हो न्यू डेमो ऐसे करके, ये लिखा, इस लाइन के चलते ही ये एरिया रिजर्व हुई, इस एरिया के रिजर्व होते ही 01 बना, बाइनरी बना, और बाइनरी से डेसिमल कैसे बना, इस मेथड से, बाइनरी से डेसिमल इस मेथड से बन गया, जिससे क्या आ गया, हैश कोड इंटीजर आ गया, राइट। यानी कि इस हैश कोड के आने के बाद अब इस हैश कोड के ऊपर है ना मेथड चलता है, हैश कोड पे नहीं, इंटीजर एक क्लास होती है, इंटीजर एक क्लास होती है, इंटीजर, इंटीजर डॉट टू हैक्स स्ट्रिंग, राइट, ये क्लास होती है, और इस टू हैक्स स्ट्रिंग मेथड में ये इंटीजर पास कर देते हैं इंटरनली, यानी कि ये वाला इंटीजर जो आया है, ये इंटीजर, राइट, आई आया है, इससे बन मिल जाता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मिल जाता है एस, आप चाहो तो एस को प्रिंट करके देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले बना हैश कोड, और हैश कोड से बना हेक्स स्ट्रिंग, जरा हेक्स स्ट्रिंग प्रिंट करके देखते हैं कि हेक्स स्ट्रिंग में क्या आता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हेक्स स्ट्रिंग 51DB9742, ये तो वही है ना जो ऊपर है कि नहीं, राइट। तो ये हेक्स स्ट्रिंग के अंदर है ना, ये हेक्स स्ट्रिंग अलग से रहने देता हूँ, ये क्या कर लेते हैं, प्लस करके ऐसे सिंगल कोड में एट द रेट लगा देते हैं, और प्लस करके इंटीजर जो नहीं, यहाँ पे चला देते हैं दो मेथड, यहाँ पे चला देते हैं एफ एफ पे, यहाँ पे चला देंगे ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, तो आप डायरेक्ट चला दो गेट क्लास डॉट गेट नेम, इससे आपके क्लास का नाम आ जाएगा। तो ये पूरा स्टेप है, ये देखिए नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफर इन टू द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपको क्या कहानी है समझाऊँगा, ये चूँकि ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है तो एक ऑब्जेक्ट पे चलेगा, तो हमने अपने ऑब्जेक्ट पे चला दिया, ये देखिए, देखिए आप देख सकते हैं, आप देखिए क्या वो आईडी जो ऊपर थी है ना, आप ध्यान से देखिए ऊपर वाली आईडी, ये देखिए रेफरेंस डेमो एट द रेट है ना, और ये आईडी, ये आईडी, और यहाँ रेफरेंस डेमो एट द रेट, देखिए एकदम सेम आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये जो आईडी यहाँ पे प्रिंट हुई थी इस वाले लाइन में एफ में, उसको मैंने पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के ऐसे आपको निकाल के दिखाया कि ये कैसे बन के आती है, यानी कि गेट क्लास डॉट गेट नेम से क्लास का नाम आ जाता है, प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया और यहाँ पे हैश कोड आ गया। ये जो पूरा कोड हम अलग अलग लिख रहे हैं, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ कौन करता है, ये काम मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट इसे बोलते हैं, ये मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट कर दिया, अब आपको ये प्रिंट होके नहीं दिखाएगा, कंपाइलर से इग्नोर कर देगा। अब आप यहाँ पे देखिए रन कर दिया तो वो लाइन नहीं चली, ठीक है। ये चीज़ कौन चलाता है, ये चीज़ चलाता है ये टू स्ट्रिंग मेथड, ये मेथड, ये जो मेथड है ये पूरा मेथड यहाँ से इंटरनली इम्प्लिसिटली चलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट, ये मेथड इम्प्लिसिटली चलता है और वो खुद ही दे देता है। ये काम जो अलग अलग मेथड्स, ये अलग अलग पार्ट में मैंने तोड़ के दिखाया, ये काम टू स्ट्रिंग का काम है, टू स्ट्रिंग एक किसी क्लास की रेफरेंस आईडी को कैसे कैसे जनरेट करेगा वो उसका हैक्टिक है, राइट। तो अगर मैं इसको अगर प्रोग्राम में लिख भी देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इवन लिखने के बाद यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एट द रेट के साथ, अगर यहाँ पे हैश लिख देता हूँ ना तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं जहाँ क्लास का नाम एट द रेट हैश कोड आ रहा था, वहाँ क्लास का नाम एट द रेट नहीं, हैश के साथ हैश कोड आ रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ आपने सीख लिया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। बेसिक चीज़ों में भी बहुत सारा दम होता है, अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, बेस अपना मजबूत नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। कभी इंटरव्यू पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी कैसे बनती है, नहीं समझा पाओगे। ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी जैसे बनती है उसका स्टेप समझाओ, कैसे कैसे वो रेफरेंस आईडी बनती है, आप देख सकते हो वो रेफरेंस आईडी जैसे बन के आती है, क्या उसे आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो, उसमें नाम चेंज कर सकते हो,
उसको एट द रेट की जगह पे हैश लगा के देख सकते हो। यस, अगर हमने उसको रीराइट कर दिया टू स्ट्रिंग मेथड को, अगर हम रीराइट कर देना उसमें जो भी लिख देंगे वो आ जाएगा। इवन देखिए सब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद ये जो पूरी लाइन है, ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को बनाने की पूरा लाइन हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, और बस यहाँ पे लिख देता हूँ सूर्या, राइट, सूर्या। अब जब कभी भी आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाहे जितना भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, चाहे, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है केवल हमारी क्लास का, अपनी क्लास का, ठीक है, तो हमेशा रेफरेंस आईडी की जगह पे आपको वो सूर्या प्रिंट करके दिखाएगा, हमेशा, ऑलवेज। देख सकते हो आप, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया F1 करके, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को प्रिंट करा। तो कैन यू चेंज द रेफरेंस आईडी? यस वी कैन चेंज, हम उसका नाम बदल सकते हैं। तो कैसे? बाय ओवरराइडिंग टू स्ट्रिंग मेथड। ये टू स्ट्रिंग को हमने ओवरराइड कर दिया। आगे चल के आपको मैं इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, उसमें मेथड ओवरराइडिंग सिखाऊंगा, इसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। हमने ओवरराइड कर दिया मतलब रीराइड कर दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो टू स्ट्रिंग मतलब इंटरनली चलती थी, वो अब वो इंटरनली हमने हमारी क्लास के लिए हमने जो लिख दिया वो हमारे लिए चलेगा। तो हम अपनी रेफरेंस आईडी को अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं, तो इसको चेंज करा जा सकता है। और ये बहुत ही डीप नॉलेज था, इंटरनल नॉलेज था, इसमें कोई दिक्कत इसको सुनना पड़ेगा आपको? यस, इसको आपको सुनना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत डिटेल नॉलेज है। अगर आप एक मिनट में ऑब्जेक्ट ख़त्म कर देते हो, बस न्यू लिख के इसको भूल जाते हो, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको पता नहीं है कि इस अभी तक जो हमने पढ़ाई करी, अभी तक हमने क्लास पढ़ा, अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट पढ़ा, उसी में ही पूरी जावा है। क्लास और ऑब्जेक्ट को ही लेके तो पूरा आगे की चीज़ें बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये रेफरेंस आईडी बन गई। इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ। ये हमारी क्लास थी, राइट, ये हमने क्लास बनाया था QA टीम इन्फो, और उसके बाद यहाँ पे उसका डेटा बनाया था, मेथड बनाया था, और यहाँ पे मैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, रेफरेंस आईडी क्या होती है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास क्या होती है, मैजिक मेथड क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से सुनो तो मैंने आपको अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर कराए, और ये इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वो क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में, राइट, तो आपको इसका प्रिपरेशन जरूर करना है। फिर इसके पहले आपको कंसेप्टर बताया था, कंसेप्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम इसके आगे की चीज़ें जानेंगे।